बीजेपी पार्टी एक तरफ स्त्रियों के दर्द की बात करती है, एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और कर्नाटक पहुंचने के बाद देश के प्रधानमंत्री ये ऐलान भी करते हैं कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सोचती है। और इसके बावजूद भी देखा जाए तो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिला खिलाड़ियों सहित जनता का यही कहना है कि आखिर आप महिलाओं की बात करते हैं तो आप साक्षी मलिक का क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप विनेश फोगाट की आवाज़ को क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर क्यों एक बाहुबली को बचाने के लिए आप तमाम बाहुबलियों को नष्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर महिला खिलाड़ी क्या कुछ कहती हैं, उनका क्या दर्द है, आप खुद ही सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है, मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं, बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये आवाज लग रहा है कि परिवार है, आप लोग भी सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी भूषण के साथ है। कुश्ती का परिवार? कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम, इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते, उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए, मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे, पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो, अरे भाई। लेकिन मैडम ये बताइए कि 3-4 लोग ईश्वर दत्त उसमें है, मेरी कॉम है, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही, या फिर उसमें भी अपारदर्शिता, उसको भी सत्ता ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है, बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे, आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, दिनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है, वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले, जो हमारे साथ में गलत हुआ है वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया ऐसा है। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि महिला खिलाड़ियों ने ये बात बता दी है, ये कह दिया है कि उनका प्रोटेस्ट तुरंत खत्म हो जाएगा अगर उनकी बात को सुन लिया जाए, उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए। ये बात सही है कि जब यौन उत्पीड़न के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सामने आ रहा है तो बीजेपी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। बीजेपी अगर आगे आती है, ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा लेती है, तो कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों को न्याय मिल जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और महिला खिलाड़ी ये चाहती हैं कि उनका जो अध्यक्ष है वो हरियाणा से बने, ये कयास के तौर पर देखा जा रहा है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये समय तय करेगा, लेकिन महिला खिलाड़ियों की आवाज को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।